हेलो, माय नेम इज शितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। सो आज इस वीडियो व्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। कृष्ण मोदवदिया ने लिखा है कि हेलो शितिज, लॉन्ग टाइम मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी स्पीडी रिकवरी एंड ऑल द हेल्थ टू योर फैमिली अलॉन्ग विद कॉन्डोलेंसेज टू द लॉस यू हैड इन दिस पैंडमिक। थैंक यू मैन। नाउ कमिंग टू द टॉपिक एंड दैट इज़ आई एम 23 ईयर्स ओल्ड वर्किंग एज अ टेस्ट इंजीनियर इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी बट आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स स्क्रीन राइटिंग सिंस आई वॉज 17 एंड फ्रॉम देन आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन इट। बिफोर दिस पैंडमिक वाइल आई वॉज इन माई कॉलेज परस्यूइंग माई मास्टर्स आई वॉज थिंकिंग टू मूव टू मुंबई एंड ट्राई टू ऑब्टेन अ स्क्रीन राइटिंग करियर बाई पैरेलली managing my software job but couldn't go there due to corona. If possible, can you draw a blueprint for a guy who is in his early 20s and doing a job with having a dream to be a screenwriter in the Hindi film industry? What endeavors I should take and most importantly what not to do? Thanks in advance. Take care. Basically blueprint ki zarurat nahi hai, jo solution tumne socha hai Krishna wo bilkul sahi hai. You can move to Mumbai, do a job there and side by side parallelly you can start doing your screenwriting thing as well. Dekho screenwriting ka aisa hai ki koi bhi tumhe apne office mein bitha ke screenwriting nahi karayega. To sabse achhi baat ye hai, chahe assistant director mein ek problem ye hai ki aapko na set pe hona zaruri hai, aapko pre production mein office mein hona zaruri hai, par screenwriting mein aisa nahi hai. You just go and meet people and they will give you an assignment, they will give you a concept or a story and then they will give you a week or two टाइम और उस दो हफ्ते एक हफ्ते में आप अपनी कहानी लिखते हो, जाके उनको सुनाते हो या स्क्रीन राइटिंग करते हो, जाके उनको देते हो एंड दे विल बाय इट। सो द बेस्ट थिंग अबाउट स्क्रीन राइटिंग एंड राइटिंग इज दैट यू डू नॉट हैव टू लीव योर जॉब, यू डू नॉट हैव टू सेक्रीफाइस योर जॉब और रिस्क योर करियर एंड मनी बिकॉज ऑफ दैट। सो आप क्या कर सकते हो, ऑल यू हैव टू डू बेसिकली इस लेवल में मुझे लगता है जो आपको करना चाहिए वो सिर्फ अपना टाइम मैनेज करना है। लाइक दिन में दो घंटा आप स्क्रीन राइटिंग को दो, आप जितने स्क्रीन प्ले हो सकते हैं उतने पढ़िए, जितनी फिल्में हो सकती है उतना देखिए, जितनी किताबें हो सकती है उतना पढ़िए और हर रोज एटलीस्ट दो घंटा आप राइटिंग करिए। अब वो आप स्टोरी लिखते हो, स्क्रीन पे लिखते हो, कुछ और लिखते हो, इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू राइट डेली इफ यू वांट टू बिकम अ स्क्रीन राइटर बिकॉज दैट्स हाउ यू डेवलप योर आर्ट। एंड फॉर बिकमिंग अ स्क्रीन राइटर यू नीड टू हैव स्क्रीन राइटिंग कि कुछ तो बेसिक नॉलेज, क्योंकि स्क्रीन राइटिंग नॉवल राइटिंग से थोड़ा अलग होता है, उसमें थोड़ा सेट का नॉलेज होता है, थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होती है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, उसके लिए वो सारी चीज़ें सीख लो जो कि एक एक दो दो दिन का ही काम है। आपको कुछ ट्यूटोरियल्स हैं इंटरनेट पर पढ़े हैं जो आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो काम तुम्हें करना है वो ये है कि आपको सिर्फ 3 स्क्रिप्टें लिखनी हैं। वो स्क्रिप्टें अच्छी भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उनको हम लोग स्पेक स्क्रिप्ट कहते हैं हॉलीवुड में, और इंडिया में आप उसको सैम्पल स्क्रिप्ट कह सकते हो, ताकि वो स्क्रिप्टें देख के कोई प्रोड्यूसर ये जान सके कि आपको स्क्रिप्ट लिखना आता है, आप सिर्फ फ्लूक नहीं मार रहे हो। क्योंकि बहुत सारे मुंबई में लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं लिखा होता है, जिन्होंने जो अपने आपको राइटर बोलते हैं, और जब प्रोड्यूसर बोलता है कि हमें कुछ दिखाओ जो आपने पहले लिखा है, तो उनके पास कुछ भी दिखाने को नहीं होता है। तो एटलीस्ट 3 स्क्रिप्टें रख के अपने पास रखो, ताकि कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर या कोई भी आदमी जिसको आप अपनी स्क्रिप्ट पिच करना चाहते हो, वो अगर आपसे पूछता है कि क्या आप इससे पहले तुमने कोई स्क्रिप्ट लिखी है, तो तुम उसको अपनी स्क्रीन प्ले दिखा सकते हो कि ये मैंने देखी है। अब स्पेक स्क्रीन प्ले लिखने का फायदा यह है कि वो स्क्रीन प्ले से आपको प्यार तो होता नहीं है, क्योंकि आपने जैसे भी तैसे करके आपने 100 पेज की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दी होती है, तो आपको ये डर नहीं होता है कि वो कॉपीराइट इश्यूज होंगे या कोई इसको चुरा लेगा, और कुछ चुरा के फिल्म भी बना लेता है तो आपको इतना दुख नहीं होता है। पर कई बार कई लोग बहुत मेहनत करके स्क्रीन पर लिखते हैं तो वो दुनिया के सामने उनको दिखाते ही नहीं है, लोगों के पास पहुँचते ही नहीं है, इस डर से कि उनकी स्क्रीन पर चोरी ना हो जाए। वो जब किसी को दिखाओगे नहीं तो यार तुम्हारी फिल्म लोगों तक पहुँचे कैसे, तो वो डर तो दिमाग से निकालना चाहिए। तो वो निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि 3 ऐसी स्क्रीन पर लिखो जिसमें फॉर्मेटिंग पर ध्यान दो, स्टोरी पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुम्हारा स्क्रीन पे देखेगा वो मोस्टली तुम्हारे फॉर्मेटिंग पे ध्यान देगा, तुम्हारे राइटिंग स्टाइल पे ध्यान देगा, उन सब चीज़ों पे ध्यान देगा, क्योंकि अगर उसको तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट दिखता है तो वो तुमको हायर कर लेगा। ही शुड जस्ट नो डैट यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स, और अगर वो तुम्हें कोई काम देगा तो तुम उस काम को कर दोगे, एंड ही विल सी द फिजिकल एविडेंस इन फ्रंट ऑफ हिम कि तुमने स्क्रीन पे लिखे हैं, देन ही विल बी कॉन्फिडेंट कि अगर वो तुम्हें कोई काम देता है और पैसे देता है तो वो चीज़ तुम करके लेके आओगे। बस वो है, तो अपना स्पेक स्क्रीन पे लिख लो। जो भी तुम्हारा लॉकडाउन का टाइम है इस वक्त, वैसे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे कुछ स्क्रीन प्लेस लिख के रख लो जिसको तुम लोगों को भेज सको, तुम्हें ये डर ना हो कि ये चोरी हो जाएंगे या नहीं होंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे हॉलीवुड में ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लोगों ने स्पेक स्क्रीन पे लिखा और कई लोगों को उन्होंने सिर्फ इसलिए सेंड किया था ताकि वो देख सके कि उनको लिखना आता है, और वो स्पेक स्क्रीन प्ले लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने उसी पर फिल्म बना दी और वो फिल्म हिट भी हो गई। ब्लेक स्नाइडर की किताब पढ़ोगे सेव द कैट, तो उसमें उसने ऐसे एक इंस्टेंस का जिक्र किया है। सो आई वुड सजेस्ट दैट यू राइट योर ओन स्क्रीन प्लेज एंड स्टार्ट सेंडिंग देम टू पीपल
पीपल सो दैट दे विल नो दैट यू आर समवन. सो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना लोगों को अपना नाम बताना पड़ेगा. मतलब वो बताने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि देखो एक बार में कोई रिस्पॉन्ड करता नहीं है तो बेस्ट तरीका ये है यू जस्ट कीप सेंडिंग द मेल्स. तो अगर तीन स्क्रीन प्ले आप उनको एक एक करके लोगों को अलग अलग लोगों को सेंड करोगे देन दे विल रियलाइज कि ये बंदा बार बार मैसेज कर रहा है. दे विल एटलीस्ट रजिस्टर योर नेम. सो वैन यू विल आस्क देम फॉर वर्क, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसको आप स्क्रीन प्ले में डेवलप करना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो, आई कैन डेवलप इट ओवर टाइम एंड यू डोंट इवन हैव टू चार्ज द मनी फॉर दैट. क्योंकि मनी जब नहीं होता है किसी राइटर के पास, पैसे नहीं होते, जैसे आपके पास तो जॉब है, आपके पास हर महीने पैसे आ रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके अंदर डेस्परेशन नहीं होगा. जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और जिनकी आमदनी राइटिंग पर डिपेंडेंट होती है वो बहुत डेस्परेट होते हैं, जिसके चक्कर में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं. सो इवन इफ दे डोंट पे यू एनीथिंग आफ्टर यू राइट द स्क्रिप्ट यू वॉन्ट हैव दैट मच प्रॉब्लम जो एक नॉर्मल राइटर को होती है, उसको रेंट देने का प्रॉब्लम होता है. सो देयर विल बी प्रॉब्लम बिकॉज राइटिंग वाले फील्ड में ऐसा है कि बहुत पैसे मारे जाते हैं. कई बार लोग पैसा नहीं देते हैं, एडवांस देते हैं, बाकी का पैसा नहीं देते हैं. तो पहले तीन चार स्क्रीन प्ले में बिल्कुल मत सोचना कि तुमको पैसा मिलेगा एंड डू नॉट इवन वरी अबाउट इट. जस्ट गेट योर नेम रजिस्टर्ड. क्रेडिट जहाँ मिल जाता है वो बहुत अच्छा है, ताकि वो क्रेडिट मिल जाएगा तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारा जो पैसा आगे मिलने के चांसेस है वो एस्केलेट हो जाएंगे. मतलब तीसरी चौथी फिल्म तक या दूसरी फिल्म से ही तुमको जो पैसा है वो ज़्यादा मिलने लगेगा. एक फिल्म में भी क्रेडिट आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. तो इसलिए अपने स्क्रीन पे लिखो, उनको भेजते रहो. ये शर्त मत रखो कि जो भी तुम स्क्रीन पे लिख रहे हो वो फिल्म बन ही जाएगी. कई बार ऐसा होता है कि तुमने किसी को स्क्रीन पे भेजा और वो स्क्रीन पे सामने वाले को उसने पढ़ा, उसको लगा कि यार इस बंदे के अंदर टैलेंट है, मैं इसे दूसरा स्क्रीन पे लिखवा सकता हूं, तो वो वैसा भी कर सकता है तुम्हारे साथ. तो मैं एक जॉब की तरह वो चीज़ मिल जाएगी. और स्क्रीन पे लिखने का बेस्ट टाइम नॉर्मली रात में या सुबह होता है, तो दिन में वैसे भी कोई आदमी ज़्यादा लिख नहीं पाता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं. तो दिन में यू कैन डू योर जॉब, बट ऑल यू हैव टू डू इज पुश योर बाउंड्रीज एंड डू सम एक्स्ट्रा हार्डवर्क. जो तुम्हें अर्ली मॉर्निंग उठ के करना है या लेट नाइट तुम कर रहे हो, तो दो तीन घंटा रोज तुम्हें लिखने के लिए देना पड़ेगा. सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू एंड स्टार्ट डूइंग राइट नाउ. सो एवरी डे राइट एंड राइट योर स्क्रीन प्लेज, स्टार्ट सेंडिंग इट टू पीपल विदाउट वरिंग वेदर समवन विल स्टील इट और नॉट. बस उनको सेंड करना शुरू करो एंड दैट्स हाउ थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग टू यू. तो आई थिंक मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है. आई होप कि तुम इससे सेटिस्फाई हो गए. अगर नहीं हो, कुछ और पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से मेंशन करो, मैं उसका भी जवाब देता हूँ. एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय.